हे गाइस, मैं हूँ दीपंकर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डीएल ब्लॉग्स। आज मैं ताहुली पीक आया हूँ। मैं यहाँ पर कैसे है आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कल्याण रेलवे स्टेशन आना होगा। कल्याण रेलवे स्टेशन से आपको बस मिलेगी मलंगढ़ के लिए। वही बस में आपको बैठना है जिसका किराया आपसे 20 रुपये लेगा। और खुशीबली विलेज बोल के गाँव है, वही गाँव पर उतरना है और वहाँ से 10-15 मिनट चल के आने के बाद आपको, आप मेरे पीछे जो दो रास्ता देख रहे हो ना, एक ये साइड रास्ता और एक ये साइड रास्ता, आपको राइट वाला रास्ते से जाना है ताहुली पीक के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं। हमें एकदम वहाँ तक जाना है, वही ये ताहुली पीक। और ये साइड जो देख रहे हो ना, ये मलंगढ़ है। गांव जो है उस गांव के अंदर ही हूँ। ये गांव के अंदर से ऐसा रास्ता है। गांव से 15-20 मिनट चल के आने के बाद यहाँ पर आराम करने ये मिलता है। बारिश के टाइम तो बहुत पानी रहता है इस जगह पर। जो जाने के लिए जो रास्ता है ना, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सही तरह से मालूम ही नहीं पड़ता है कौन से साइड जाना है। मेरे आगे कुछ लोग हैं, वो देखो देख सकते हो, और मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं और हमें जाना है एकदम वहाँ तक। अभी मैं कम से कम 40 मिनट के आसपास चल के आ गया। आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये सफ़ेद कलर का निशान, आपको ये रास्ते पे मिल जाएगा, तो समझ लो आप सही रास्ते पे हो। आपको ये दिखेगा तो आपको थोड़ा देख के आना है क्योंकि पूरा ये पत्थर के ऊपर जो सफ़ेद कलर का निशान दिया हुआ है ना, ये पूरा ढक गया है जंगल से। आप देख सकते हो मैं कहाँ से जा रहा हूँ, ये जंगल। आपको थोड़ा देख के आना है जो निशान कहाँ पर है। यहाँ पर एक छोटा वाटरफॉल है। बारिश में तो बहुत पानी रहता है, लेकिन अभी बिल्कुल पानी नहीं है। अभी मैं एक जगह पर बैठा हूँ, ये देख रहे हो ना, ये पत्थर पर लिखा भी है दादी माँ। तो मैं एकदम सही रास्ते पे जा रहा हूँ। थोड़ा बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। दो लोग मिले थे, उन्होंने अभी भी बोला मुझे 1.5-2 घंटे के आसपास टाइम लगेगा ऊपर तक पहुँचने में। तो चलते हैं, देखते हैं, आप भी देखते रहो। बहुत मेहनत के बाद मैं एक ऊपर तक तो आ गया, लेकिन अभी भी मुझे और ऊपर जाना है। यहाँ पर एक गांव है, समझो 2-4 ही घर है। आप आओगे तो यहाँ पर थोड़ा रुक सकते हो। यहाँ पर एक मंदिर है। आपको ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये घर, यहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद आपको ये मंदिर दिखेगा। देखिए
भोलेनाथ और नंदी है यहाँ पर। वापस जंगल वाला रास्ता चालू हो गया, बहुत लंबा है यार ये ताहुली पीक तो, बहुत लंबा है। आपके अगर पैर में ताकत है ना तो ही आप आओ यहाँ पर, नहीं तो मत आओ, नहीं तो आधा जाने आने के बाद आपको आपकी बराबर लगने वाली है और नहीं जाना है, ऐसा ही मुंह से शब्द निकलेगा। यहाँ से ना जंगल वाला रास्ता खत्म होता है और यहाँ से समझो सीढ़ी स्टार्ट होता है। आप देख सकते हो ये सीढ़ी है यहाँ पर, मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा, तो चलते हैं। आने के बाद आपको ये रास्ता मिलेगा, यहाँ से ही आपको आना है और जाना है यहाँ से, लेकिन बारिश में ये जगह पर बहुत पानी रहता है और बहुत स्लिप भी रहता है, तो आप जब बारिश में यहाँ पर आओगे ना तो ध्यान से आइए। ये जो निशान देख रहे हो ना ये वही निशान है, यही इसी को ही फॉलो करते करते आपको आना है। खुशी वाली गाँव है, वहाँ से ही आपको ये निशान मिल जाएगा। शायद मुझे कुछ और मिनट लगेंगे ऊपर पहुँचने के लिए, मैं तो जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वापस रिटर्न भी जाना है, मुझे रुकना तो नहीं है। हाय करो भाई लोग, हाय। मैं ऊपर जा रहा था ओके, तो ये भाई लोग मिले मुझे, बहुत अच्छा लगा ये मिल गए साथ में सफर में। बोले कितना टाइम, बोले बहुत जल्दी आएगा। चलो चलो ओके। और ये जो रास्ता है ये दादी माँ तक जाता है। एक्चुअली आज तो लेट हो गया, मुझे सभी देखना था लेकिन अभी 1:30 बजने को आया, मैं सिर्फ दादी माँ तक ही जाऊँगा, जाके वापस मैं रिटर्न जाऊँगा, फिर कभी टाइम मिलेगा तो आऊँगा। Thank you.
आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे वापस नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और कुछ भी सवाल पूछना हो तो कमेंट करो, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अभी के लिए बाय बाय।